क्या कौन है, कौन है, कौन है, क्या नाम, कहाँ, तुम्हारा नाम, मैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, बता चुका हूँ, क्या नाम, बता चुका हूँ मैं बलेली। फिर से बताओ क्या नाम है, नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा, शायद शाहिद नाम, बताओ क्या कहना है तुम्हारे, क्यों फोन जो किए, आप ग्रुप में शामिल हैं। क्या बताओ ना, ग्रुप ग्रुप छोड़ो, क्यों फोन, क्यों बताओ, मसला क्या है तुम्हारा। एक मसला यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो एक किताब है, मतलब स्कैन है, उसको मैं भेजा हूँ उससे, तो पूछने के लिए कि आखिर में ये चीज कौन लिखे हैं अच्छा ठीक है, भेजो हजार और हजरत ये भेजें, कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ हजरत भेजो, स्क्रीन भेजो, पर्सनल पे? हाँ ठीक है, अभी पर्सनल पे भेज देता हूँ। कहाँ से बोल रहे हो तुम। वैसे मैं कलकत्ता में भी हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ। कलकत्ता किस जगह पे हो आप, भेज भेज दिया हूँ भाई। हाँ हजरत भेजें, कलकत्ता किस जगह पे हो, वैसे टॉपिया में, तोपसिया, टॉपिया जी, तोपसिया कौन से मस्जिद के बाजू में, नहीं स्कैन भेजो, भेज स्कैन भेजो, दिया हूँ भाई। अरे नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं नहीं भेज दिया हूँ। कट करने से जा जा सकता है, वरना आप अच्छा बताओ क्या लिखा, क्या लिखा, आपका बताओ क्या लिखा है उसमें, बताओ। अच्छा तो ईशा की नमाज पढ़ ली है तुमने, जी। तो ईशा की 4 रकात सुन्नत पढ़े हो ना फर्ज से पहले, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ तो फर्ज से बिल्कुल, पहले ईशा के पहले जो 4 रकात सुन्नत पढ़े हो, 4 रकात सुन्नत में हर रकात में हाँ सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत तुमने पढ़ी है, 4 सूरत, कौन से भी पढ़ लेते हैं कौन से, आज तुमने कौन सी सूरत पढ़ी है, 4 रकात में कौन सी वो सूरत पढ़ी, जरा सुनाओ जरा, भाई। अब ये शाहिद भाई, शाहिद आप, भाई, शाहिद भाई, हाँ बोलिए भाई आपका बोलिए। दिमाग सही हो जाएगी, सूरत सही हो जाएगी, ये नमाज का मसला है, और नमाज, नमाज जो है इस्लाम में ईमान के बाद सबसे पहला दर्जा है, समझे कि नहीं, बिल्कुल जिसका नमाज नहीं, बिल्कुल जिसकी नमाज बिल्कुल उसका दिन नहीं है, तो आपने बिल्कुल 4 रकात सुन्नत पढ़ी, आपने खुद कहा है, तो हर हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत पढ़ी है, जरा सुना दे जरा, फिर आपकी जो, फिर आपको बताऊंगा मैं कि क्या है, नहीं अच्छा, बता दें, पढ़े जरा, मतलब सूरा पढ़ के बताऊं जी, ऐसा है, मतलब इम्तिहान लेना चाहते हैं। अरे यार मतलब नहीं, आपने पढ़ा है ना, सुना दो ना, इतनी बात करने की क्या जरूरत है यार, खाली बात लंबी कर रहे हो, नहीं, सुना दो जरा, सुना दो, लंबे फिर बात कर देखिए, रहे हैं यार, सुना दो ना, अब ये नहीं सुनिए मैं आगे बताऊं के। मैं क्या पढ़ता हूँ, मैंने आज क्या पढ़ा, सुनाओ तुम्हारे को, मैंने आज जो मैंने आज हमको पढ़ा है सूरह बताओ फातिहा के बाद, मैं पढ़ाया हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लजीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अनहा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. पहली रकात में पढ़ा मैंने, ठीक है, दूसरी रकात में मैंने पढ़ा بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ایک فرض نماز میں میں نے یہ دو قیرت کی میں نے دو رکعت میں, ٹھیک ہے؟ اب سن کاتے سننا چاہتے ہو, مطلب سورہ سننا چاہتے ہو؟ ہاں چار سورہ سننا چاہتے ہیں. ہاں وعدہ کرو کہ مطلب یہ نہیں تلفظ نہیں پکڑو گے. نہیں نہیں پکڑو گا, وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں چار سورہ سنا دو. ایک سورہ سناتا ہوں, ایک سورہ سناتا ہوں. نہیں خاموش مت رہنا, چار مکمل ایک سانس میں چار, مطلب ایک ساتھ میں چار سنا دو مکمل. نہیں نہیں خاموش مت رہنا, ایک ہی سورہ سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اعوذ باللہ, پہلے اعوذ باللہ, پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اب بولو, سنو چار, سنو چار, سنو. پہلے اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.